नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, जानेंगे इसका महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और किस तरह से भगवान कृष्ण की उपासना करके उनकी कृपा, उनकी करुणा आपको जीवन में मिल सकती है। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 6 सितंबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर के 3:37 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः काल 9:20 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 6 सितंबर 2023 यानी बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल विद्यमान है कन्या राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में विद्यमान है, बृहस्पति राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, चंद्रमा विद्यमान है वृषभ राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम समझेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जन्म हुआ था अष्टमी तिथि को, इसीलिए इसको जन्म की अष्टमी या जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वृषभ राशि है उनके जन्म की राशि, तो उसमें और भी नक्षत्र हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः रोहिणी नक्षत्र में ही उनका जन्म हुआ था, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा जन्माष्टमी पर करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है और जीवन में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। भगवान कृष्ण वैसे भी तारक ब्रह्म हैं, इसीलिए आम जनता के जीवन से, उनके सुख से, उनके दुख से उनका सीधा संबंध है। इसीलिए जब आप उनकी शरण में जाते हैं
तो आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, ऐसे लोग जन्माष्टमी पर विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। विशेष पूजा से उनकी उन्नति हो सकती है। तो देखिए, वैसे तो नियम ये कहता है कि जन्माष्टमी पर व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। अगर आप वो नहीं भी कर पाते तो कम से कम इतना ज़रूर करिए कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को मेवे का यानी ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं तो बहुत उत्तम होगा। वृषभ राशि, करियर की तमाम बाधाएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय आप निपटा लीजिएगा। भगवान कृष्ण को अगर आप माखन का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। बेवजह के विवादों से बचाव करें। रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। भगवान कृष्ण को अगर तुलसी दल अर्पित कर दें तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी अतिथि का इस समय आगमन होगा। भगवान कृष्ण को अगर खीर का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाए, इसके लिए नियम क्या कहते हैं, इसके समय का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभ लग्न और वृषभ राशि में। नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र, इसीलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है वृषभ लग्न में, और प्रयास किया जाता है कि रोहिणी नक्षत्र भी मिल जाए अष्टमी तिथि को। इस बार अष्टमी 6 सितंबर को दोपहर 3:38 पर आरंभ हो रही है और ये 7 सितंबर को शाम को 4:14 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र पूरी रात भर विद्यमान रहेगा। 6 और 7 की जो मध्य रात्रि है, यानी 6-7 की जो दरमियानी रात है जिसमें 6 समाप्त होगा और मध्य रात्रि में 7 शुरू होगा, उस पूरी रात में रोहिणी नक्षत्र विद्यमान रहेगा। इस बार भगवान कृष्ण की पूजा का समय होगा 6 सितंबर को मध्य रात्रि 11:56 से 12:42 के बीच में। इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
जो लोग सन्यास धर्म के मानने वाले हैं या जो लोग वैष्णव परंपरा के सन्यासी हैं वो उदया तिथि से भी जन्माष्टमी मनाते हैं और वो जन्माष्टमी मनाएंगे 7 सितंबर को। लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए उचित यही होगा कि 6 सितंबर की मध्यरात्रि को जन्माष्टमी मनाई जाए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की रुकावट आपके दूर होगी। भगवान कृष्ण को मेवे का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। भगवान कृष्ण को अगर तुलसी दल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान कृष्ण को अगर मिश्री अर्पित करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान कृष्ण को अगर माखन का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व किस तरीके से मनाएंगे, क्या होगा उसका सही तरीका। प्रातः काल स्नान करके जन्माष्टमी के व्रत का या पूजा का संकल्प लेंगे कि आज मैं भगवान कृष्ण की पूजा करूंगी या मैं भगवान कृष्ण की पूजा करूंगा, पूरा व्रत उपवास रख करके। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें और सात्विक बने रहें। मध्यरात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा, मेटल की जो उनकी मूर्ति है, उसे किसी बड़े पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान कराएं। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद जल से स्नान कराएं और ध्यान रखें कि जो चीज़ें आप उनकी मूर्ति पर समर्पित करेंगे ये तमाम चीज़ें शंख में डाल करके अर्पित की जाएंगी। इसके बाद उनको पीतांबर, पुष्प और भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, भगवान कृष्ण को झूले में बैठा करके झूला झुलाइएगा। झूला झुलाना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बच्चे को, शिशु को झूला झुलाते हैं उसके माता पिता। तो आप भगवान कृष्ण के माता पिता के फॉर्मेट में आ जाते हैं, माता पिता के स्वरूप में आ जाते हैं जैसे ही आप उनको झूले में बैठा करके झूला झुलाते हैं। झूला झुलाते रहिए
और प्रेम से जो भी आपकी कामना है वो कामना उनसे कहिए, आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी और लाभ होगा। इस समय अपने कार्य को गोपनीय बनाए रखें। भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। भगवान कृष्ण को अगर मेवे का, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। भगवान कृष्ण को अगर आप चंदन अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, करियर में आपको धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को अगर मिश्री अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हों, ज्यादा गिर रहे हों, तो भोजन में अन्न की मात्रा कम करिए और फलों सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपके बालों का गिरना और झड़ना कम होगा। चलिए अब जान लेते हैं 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 6 सितंबर दिन बुधवार को प्रातः काल भगवान कृष्ण को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करिएगा, तुलसी दल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।